क्या आप जानते हैं हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति है जिसकी शक्ति के आगे बादशाह अकबर ने अपनी हार मान ली थी। सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रयागराज में तीर्थराज संगम के तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर के बारे में। कथा ऐसी है कि जब श्री राम ने रावण की पूरी सेना का विध्वंस कर दिया, तो रावण ने अपने भाई और पाताल लोक के राजा अहिरावण से कहा कि वो श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले जाए और वहां उनका वध कर दे। भीषण युद्ध में महाबली हनुमान ने अहिरावण का संहार किया और श्री राम और लक्ष्मण जी को लंका की ओर लेके चल पड़े। लंका लौटते समय वहीं प्रयागराज के पवित्र संगम के तट पर हनुमान जी विश्राम के लिए रुके थे, इसलिए इस मंदिर को लेटे हुए बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इसी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंधु समेत जबे अहि रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो, देवही पूजी भली विधि सो बली, देव सभे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तभी अहि रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो। यहां विद्यमान मूर्ति में हनुमान जी लेटे हुए विश्राम की मुद्रा में, श्री राम और लक्ष्मण उनके बाएं कंधे पर विराजमान है, जबकि उनके दाएं हाथ में उनकी गदा है। उनके चरणों के नीचे अहिरावण की कुलदेवी कामदा है, नीचे बाईं तरफ अहिरावण है और दाएं चरण के नीचे हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मकर ध्वज ने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने से रोकने के बहुत प्रयत्न किए थे और इस कारण हनुमान जी को उसके हाथ बांधने पड़े। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बड़े हनुमान जी महाराज, जिनको लेटे हनुमान जी कहा जाता है, किला के पास में लेटे हनुमान जी महाराज का जो प्राचीन मंदिर है, बहुत ही जागृत स्थान है और आज भी वहाँ की भावना है कि जब गंगा जी बढ़ती हैं, यमुना जी बढ़ती हैं, तो उनके बढ़ने का एक निश्चित स्थान होता है, वो बढ़ती हुई आती हैं और जब हनुमान जी का अभिषेक कर लेती हैं और गंगा जी चली जाती हैं, अर्थात हनुमान जी महाराज के स्नान के लिए ही गंगा जी बढ़ करके वहाँ तक आती हैं और हनुमान जी महाराज जब जल में स्नान कर लेते हैं गंगा जल में, तो अपने आप बाढ़ कम हो जाती है और तीर्थराज प्रयाग सुरक्षित है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो बांध के समान बंधे पर विराजमान हैं, जो गंगा और जमुना की धारा को वहीं पर नियंत्रित किए रहते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर बड़े हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग में जो जागृत स्थान है और लाखों की भीड़ वहाँ होती है दर्शन के लिए, और कुंभ और मेले के अवसर पर तो वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करना भी बड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे हनुमान जी महाराज जो भक्तों का सदा कल्याण करते हैं और ज्ञान दाता हैं, ज्ञान विज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। इस मंदिर की एक बहुत रोचक कहानी प्रचलित है। 800 वर्ष पूर्व माघ के पवित्र महीने में संत बाल केसर गिरी जी यहाँ एक हवन कर रहे थे, तब गलती से उनका त्रिशूल धरती पर लेटे हनुमान जी की मूर्ति पर लग गया। उन्होंने मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की किंतु वो उसे हिला तक न सके। उसके पश्चात लोग इस मूर्ति की उपासना करने लगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। वर्ष 1582 में जब बादशाह अकबर मंदिर के पास एक किले का निर्माण कर रहे थे, तो मूर्ति की चमत्कारी शक्ति की बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह अकबर के मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि वो हनुमान जी की इस मूर्ति को नए किले में स्थापित कर दें ताकि अकबर अजय हो जाए। अकबर को यह बात जंच गई। उसने मूर्ति को उठवाने के लिए 10,000 हाथी भी लगवा दिए, लेकिन वो मूर्ति को रत्ती भर भी हिला ना सके। अकबर हनुमान जी की शक्ति को जान गए और तब से लेटे हनुमान जी का मंदिर संगम के तट पर किले के बराबर विद्यमान है। जय हनुमान जी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम।
राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की।